नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत। बंगाल में चुनाव की तैयारी हो चुकी है। सभी पार्टियां पूरी तरीके से दांव आजमाने के लिए तैयार हैं। आज टीएमसी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। इसमें क्या है, इस पर बात करेंगे। किन लोगों का टिकट कटा, इस पर बात की जाएगी। इसके साथ साथ क्या टीएमसी की जो राह है बंगाल के अंदर कितनी आसान होने वाली है, इस पर बात की जाएगी। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है, भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है बंगाल के अंदर, इस पर बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, चुनावी पैंतरे भी बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। लगातार जो एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, जिनकी लोकप्रियता लोगों के अंदर है, उनको अपने खेमे में समेटने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसी सिलसिले में सौरभ गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती जैसे जो नामी चेहरे हैं, जिनकी अपनी एक पहचान है पूरे देश में, जिन्हें लोग जानते हैं, सम्मान करते हैं, उनको अपने पार्टी में रखने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या इन चीजों से भारतीय जनता पार्टी बंगाल की लड़ाई जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, क्या समीकरण रहेगा? और जिस तरीके से आज ममता बनर्जी ने टीएमसी कैंडिडेटों के जो लिस्ट है उसको जारी किए, सार्वजनिक किए, उसमें क्या कुछ है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के टक्कर लायक है कि नहीं, इन चीजों पे थोड़ा सा आज विस्तृत रूप से बात करेंगे। और जिस तरीके से जो सीएम कैंडिडेट बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, शुभेंदु अधिकारी को और दिलीप घोष को, जिसमें दिलीप घोष को बताया जा रहा है कि वो सीएम बनेंगे, शुभेंदु अधिकारी को डिप्टी सीएम और सौरभ गांगुली को डिप्टी सीएम बनाने की कवायद चल रही है, इन चीजों पर थोड़ा बात किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 291 सीटों पे अपने कैंडिडेटों के नाम की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें से 50 सीटों पे महिलाओं को टिकट दिया गया है। ममता बनर्जी जो ह्यूमन एम्पावरमेंट का एक चेहरा मानी जाती हैं, उन्होंने सच में इस बात को उदाहरण के तरीके हम सब लोग के सामने रखे हैं। 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है टीएमसी के अंदर, महिलाओं को टिकट दिया गया है। 79 एससी कैंडिडेट और 17 एसटी कैंडिडेट को भी टिकट दिया गया है ममता बनर्जी के द्वारा, टीएमसी पार्टी के द्वारा बंगाल के अंदर चुनाव के लड़ने के लिए। 35% का जो फॉर्मूला लगातार सरकार दोहराती है कि 35% रिजर्वेशन होना चाहिए महिलाओं के लिए, ऐसा कुछ अभी तक तो रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने इस चीज को चरितार्थ किया और 35% महिलाओं को टिकट दिया है बंगाल में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है महिलाओं के लिए। जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं और महिलाएं पावर में नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं चूक रहती है, तो इस चीज को लेकर भी खास ख्याल रखा गया है। लेकिन इनके जो जीवन शैली होगी, इनके क्या आगे के परिणाम होंगे, उसके फैसला तो जनता करेगी। लेकिन जो सबसे मेन चीज होती है कि टिकट मिलना, पहले टिकट मिले तब वो लड़ाई लड़ेंगे। तो टिकट तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पे महिलाओं को देने की कोशिश की है और एक अच्छा उदाहरण समाज के अंदर प्रस्तुत करने की बात कही गई है। आगे समझिए आप सबको, जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट होने वाली है इस बंगाल चुनाव में, नंदीग्राम की सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट होने वाली है। आज के पहले 2016 में शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम चुनाव से लड़े थे टीएमसी के टिकट पर और 50,000 वोटों से जीत दर्ज किए थे। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो केवल एक सीट पर ही चुनाव लड़ेंगी और वो सीट है नंदीग्राम। इसके पहले भवानीपुर में भी ममता बनर्जी चुनाव लड़ती थी, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि दो जगह पे क्लैश करेंगी होगा और दो जगह पे चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, एक नंदीग्राम एक भवानीपुर। तो विपक्ष का ये आरोप लग रहा था कि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हार का डर लग रहा है, इस वजह से वो भवानीपुर सीट भी भाग। लेकिन ममता बनर्जी ने आज साफ तौर पर ये बात स्पष्ट कर दी कि वो केवल नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी और शुभेंदु अधिकारी को सीधे तौर पर चुनौती दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है अभी वो सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 90% चांस है शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट से उतरना। लेकिन इसका जो फैसला लिया जाएगा वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिया जाएगा। नंदीग्राम और जो भवानीपुर की जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, इन सीटों का फैसला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा, ये कयास अभी तक लगाए जा रहे हैं। थोड़ा सा और तथ्यों पे बात करेंगे। 42 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया है टीएमसी के द्वारा। यह भी काफी दिलचस्प बात है, क्योंकि जिस तरीके से
जो समीकरण है बंगाल का उसको भी थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि बंगाल के अंदर 70% हिंदू वोट शेयर है और 27% मुस्लिम वोट शेयर है, 3% अदर है। 42 टिकट दिया गया है मुस्लिम चेहराओं को टीएमसी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसकी प्रतिक्रिया में क्या किया जाएगा वो भली बात सबको पता है, जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जय श्री राम और ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, इससे नहीं लगता कि वो किसी समुदाय विशेष को छोड़कर किसी समुदाय विशेष को वो टिकट देने वाले हैं। तो ये कहानी चल रही है, लेकिन इसके विपरीत जो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बंगाल के अंदर तय कर रही है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। 7 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, काफी बड़ी रैली बंगाल के अंदर है, और उस रैली में क्या होने वाला है इसको थोड़ा समझिए। मिथुन चक्रवर्ती, प्रोसेनजीत समेत कई नामी हस्ती प्रधानमंत्री मोदी जी के मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो सौरभ गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती का है। सौरभ गांगुली, जिनको यह भी बताया जा रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सौरभ गांगुली को उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया जाएगा, और शुभेंदु अधिकारी को, दिलीप घोष जो है उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो ये सारी रणनीति तय की जा रही है, और ये लड़ाई कहां तक जाएगी ये भी बहुत अहम है। और जिस तरीके से जो शाह हैं, अमित शाह के बेटे जय शाह, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, और सौरभ गांगुली जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, तो इन दोनों की जो साठ गांठ है कहीं ना कहीं इससे ये साफ इशारा पड़ रहा है कि जो नामदार चेहरे हैं उनको हाई प्रोफाइल जो चेहरे हैं उनको आप पॉलिटिक्स में ले आइए, उनके सहारे लड़ाई जीतने की कोशिश करिए, ये चीज एक तरह से दिखाई पड़ रही है। तो इसमें दिक्कत क्या है इसको भी थोड़ा सा समझाया जाए, क्योंकि जो लोकप्रियता होती है इन लोगों की वो क्रिकेट को लेकर है, किसी की कोई फिल्म स्टार है उनकी लोकप्रियता को लेकर है। तो होता क्या है कि आमतौर पर ये लोग आते हैं और लोग लुभावन में लोग पड़ जाते हैं, इनको वोट देते हैं, अपना सपोर्ट देते हैं, इनको राजनीतिक बिल्कुल अनुभव नहीं होता, नीतियां कैसे बनाई जाती हैं, कैसे काम काज किए जाते हैं, इन चीज़ों का कुछ अनुभव नहीं होता, और अंतोगता जो जनता इनको चुनकर अपने विकास के लिए भेजती है संसद में वो गर्त में चली जाती है, ये परिणाम अंतोगता होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये नीति रही है, पुरानी नीति है, आप 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखे होंगे बहुत सारे नामचीन चेहरों को टिकट दिया गया था, गौतम गंभीर हो चाहे सनी देओल हो, इन लोगों को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि वो नामचीन जो चेहरे हैं उनको पकड़ती है और उनके जो फॉलोअर्स हैं, फैन हैं आप कह सकते हो, उनका वोट शेयर अपने आप कब्जे में लेने की कोशिश करती है। तो टीएमसी ने यहाँ पे एक बड़ी पारी खेली है, जिस तरह से 42 टिकट मुस्लिमों को दिया गया है और जिस तरीके से महिलाओं की एक बड़ी साझेदारी निकल के आई है टीएमसी पार्टी में, 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है टीएमसी के अंदर, तो इससे साफ तौर पे जाहिर हो जा रहा है कि जो लड़ाई बंगाल की है बिल्कुल कांटे की होने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।